नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वह इसलिए क्योंकि अभ्यर्थी अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़क से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री और भाजपा के कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों की बात विभाग या प्रदेश सरकार तक उससे पहले ही पुलिस उन्हें इको गार्डन पहुंचा देती है। अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आइए पहले जान लेते हैं कि इस लड़ाई का आखिर अंत क्यों नहीं हो पा रहा। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती के 1,000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके लिए एक नंबर उनके भविष्य का सवाल बना हुआ है। शिक्षक भर्ती में एक सवाल ऐसा था जिसके चारों विकल्प ही गलत थे। अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति उठाई थी तो विभाग ध्यान देने के बजाय उन्हें ही गलत ठहराता रहा। इस पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष को सही मानते हुए उस सवाल के लिए एक अंक देने का आदेश दिया। अब चूंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, ऐसे में कोर्ट ने विभाग को रियायत देते हुए एक अंक के फायदे को उन तक ही सीमित कर दिया जो कोर्ट तक आए थे, और एक अंक के चलते जो भर्ती से बाहर हो गए थे। इसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रत्यावेदन मांगे जिसमें लगभग 3300 प्रत्यावेदन प्राप्त हुए। इसमें 2,249 के प्रत्यावेदन सही पाए गए। इन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को बढ़ाया गया। इनमें करीब 1,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक अंक पाने के बाद नियुक्ति के हकदार हो जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट में अवमानना याचिकाओं, फटकार, धरना प्रदर्शन के बाद भी विभाग अब तक अपनी गलती नहीं सुधार पाया है और उन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा है। अब सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सियासत में भी उबाल है और कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है, जिसकी मुख्य वजह है भर्ती में आरक्षण के विसंगति की। दरअसल अभ्यर्थी आरक्षण में 19,000 पदों के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, जबकि भर्ती सही ठहराने के विभाग के अपने तर्क हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 1 जून 2020 को भर्ती की जो प्रस्तावित सूची जारी की गई थी उसमें अभ्यर्थियों के वेटेज कैटेगरी व सब कैटेगरी का उल्लेख नहीं किया गया। ओबीसी को 27% की जगह सिर्फ 3.86% का ही आरक्षण मिला। ओबीसी के लिए आरक्षित 18,598 पदों के सापेक्ष 31,228 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसमें 12,630 अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत मेरिट पर चयनित हुए हैं। कोर्ट द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद सरकार का ढुलमुल रवैया जारी है। इसी को लेकर अभ्यर्थी लगातार बीते 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। यह लड़ाई 2019 में शुरू हुई थी जो अभी तक जारी है। बहरहाल कुछ अभ्यर्थियों की मांग है कि आरक्षण को लेकर करीब 2,000 अभ्यर्थी जो कोर्ट में हैं उनका भी विभाग समायोजन कर दे तो विवाद खत्म हो जाएगा। उधर बेसिक शिक्षा विभाग ने समाधान की गेंद कोर्ट के पाले में डाल दी है। फिलहाल इस मामले में 24 नवंबर को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को तलब किया। अब इस प्रकरण में 28 नवंबर को फिर सुनवाई होनी है और 69,000 भर्ती पर क्या होगा वो 28 नवंबर को पता चलेगा। आपके लिए खबर लिखी थी आई इंडिया के सहयोगी अविनाश मिश्रा ने और कैमरे के पीछे हैं हसन गोगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।